हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, मेरे कुछ पर्सनल लॉसेस हुए शेयर मार्केट में और एक कंपनी को मैंने पिक किया। उस पिक कंपनी को 23 दिन पहले पिक किया था और उसमें मुझे 23% का लॉस हुआ। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो अक्सर समझ नहीं पाते कि क्या सिचुएशन में हमें लॉस कब बुक करना चाहिए, कब हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इस तरह के काफ़ी जो कन्फ्यूजन होती है, मैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली हुआ और मैंने क्या गलतियाँ की, उस गलतियों को इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। और उसके साथ साथ ये गलती करना काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर हमने इतना पैसा गवाया तो कुछ हमें लर्निंग भी कुछ सीखना चाहिए, हमें अपनी भी गलतियों से सीखना चाहिए। वैसे ये खुद की गलतियों से सीखना काफ़ी महंगा होता है, पहले हमें दूसरों की गलतियों से सीखा। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप मेरे इस गलती से कुछ सीख लें तो आपका कोई पैसा नहीं जाने वाला, आप फ्री में मेरी गलतियों से सीख सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो और भी बताया, इवन दो मैंने आज तक कभी अपनी अचीवमेंट्स के वीडियो नहीं बनाए कि किस कंपनी से मैंने कितना कमाया, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं अपनी मिस्टेक पर वीडियो बना रहा हूं ताकि आप मेरी गलतियों से बेनिफिट कर सकें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपको अच्छा लगेगा, कुछ नई लर्निंग मिलेगी और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस सिचुएशन में हमें कंपनी से एग्जिट करना चाहिए, कब हमें लॉस बुक करना चाहिए, या फिर अगर कोई कंपनी में लॉस बुक करने की सोच रहे हैं तो किस सिचुएशन में करें और किस सिचुएशन में ना करें। तो ये सब सारे चीज़ों का आपका इस वीडियो में एंड तक आंसर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 979 का 100 शेयर्स बाय किए थे स्टॉकक्राफ्ट के, और मैंने इसको सेल किया 100 शेयर्स 753 पे। और यहीं पे अगर बात करें तो हमें जो लॉस हुआ 100 शेयर्स पे 980 पे हमने बाई किया और हमने सेल किया 753। हमारा पर शेयर पे लॉस 227 का हुआ और हमारे पास 100 शेयर्स थे। तकरीबन टैक्सेस पे करने के बाद और दूसरे टाइप के चार्जेस पे करने के बाद हमारा 23% का लॉसेस हुए। और अगर 23,000 का लॉसेस को अगर हम 98,000 कैपिटल से डिवाइड किया जाए तो हमारे ये 23% का हमारा लॉस हुआ। तो अगर हमारा लॉस हुआ तो चलिए देखते हैं कि उसके बाद अभी शेयर्स का क्या प्राइस चल रहा है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि शेयर अभी 750 पे हमने कहीं सेल किया, यहाँ पे कहीं सेल किया 750 पे, यहाँ पे 750, उसके बाद भी शेयर आज भी डाउन हो गया काफ़ी ज़्यादा, आज भी करेक्शन हुआ 13% का। तो ये शेयर हमने कल सेल किया था, तो शेयर सेल किया, क्यों सेल किया, तो इसके लिए हम चलते हैं, क्या हमें लर्निंग मिली, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हमारी क्या की लर्निंग थी, पैसा गवाया है तो कुछ सीखना पड़ेगा। वैसे ये काफ़ी महंगा सौदा होता है कि शेयर मार्केट से आप पैसा गवा के सीखें, दूसरे लोग जो पैसा गवाए हैं उनसे ज़्यादा सीखें। ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क ऐसा बनाएं कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं उस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करें। तो हमें क्या कैसे करना चाहिए या फिर मैं कैसे इस चीज़ को डील करता हूँ या कैसे मैं देखता हूँ, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात हमें यह समझनी चाहिए कि हमें शेयर मार्केट में लॉसेस होगा ही होगा, कितना भी हम रिसर्च करके अच्छी कंपनी ढूंढ ले, कभी ना कभी मिस्टेक्स हो जाती है, वी आर ह्यूमंस, हमसे मिस्टेक होना ही पड़े होती ही है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हमारे बड़े काम आता है, हमें हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलना है। आप अपने रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से डाइवर्सिफाई करिए, कोई 25-30 शेयर खरीदता है, कोई सिर्फ 5 खरीदता है, कोई 3 कंपनी में ही खुश है, कोई 10-15 खरीदता है, तो सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट है, सबकी अपनी अपनी अलग रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है, तो उसके हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। मैंने भी अपना डाइवर्सिफाई किया, ऐसा नहीं है कि मेरा 23% उस शेयर में 23% की कैपिटल लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो वो 3 से 3.5% ही लॉस हुआ, क्योंकि फिर भी मैंने उसमें अच्छा खासा 15 से 18% अपना कैपिटल डाला हुआ था, क्योंकि आई हैव वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 7 to 8 स्टॉक, मेरे पास 7 से 8 स्टॉक से ज़्यादा कभी नहीं होते। ये रीज़न था कि 23% गया, बिकॉज मुझे लगता है कि इतना डाइवर्सिफिकेशन मेरे लिए मेरे रिस्क के अपेटाइट से इनफ है और 3 से 5% मैं एक इंडिविजुअल स्टॉक में लॉस बियर कर सकता हूँ। और इसके साथ अगर चलें तो हमारा क्या सबसे बड़ी गलती थी, तो सबसे पहला मेरा एक 10-पॉइंट फ्रेमवर्क है, आप आई बटन पर जा करके देख सकते हैं, और मैं जितने भी शेयर्स पिक करता हूँ उसी फ्रेमवर्क के पिक करता हूँ, और इस कंपनी में मैंने वो फ्रेमवर्क एग्जैक्टली अप्लाई नहीं किया। तो ओवरऑल अगर हम अपने फ्रेमवर्क की बात करें कि क्या ऐसा है, क्यों मैं उस फ्रेमवर्क को इतना ज़्यादा अहमियत देता हूं, तो वो एक फ्रेमवर्क ऐसा है जो हमें बताता है कि ऐसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है। तो इसीलिए फिर मैं काफ़ी श्योर रहता हूं कि अगर वो 10-पॉइंट फ्रेमवर्क पे वो कंपनी का पूरा फाइनेंशियल अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब वो कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है पास्ट में भी, और जो कंपनी पास्ट में अच्छा की उसके फ्यूचर में करने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैं उसके बाद फर्दर रिसर्च करके ऐसी पिक्स का ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाता हूं, और ताकि मैं हायर रिटर्न्स मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स अचीव कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती ये की कि वो 10-पॉइंट फ्रेमवर्क एक्जैक्टली मैच नहीं होता था। अब वो क्या 10-पॉइंट फ्रेमवर्क का क्या एक्जैक्ट पैरामीटर है कि मेरा ये है कि मैं पिछले 10 साल का 12 साल का रिकॉर्ड देखता हूँ, या एटलीस्ट 3 साल का, तो कम से कम फाइनेंशियल अगर बिजनेस में कुछ रिसेंट में चेंजेस हुए तो भी अपने रिसेंट न्यू बिजनेस मॉडल से कंपनी कम से कम 3 साल में अच्छा पैसा बनाए। अच्छा पैसा बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि अच्छा पैसा बनाने के लिए कम से कम कंपनी का आरओई जो है ईच एंड एवरी ईयर कम से कम कंपनी का आरओई आपका 20% का होना चाहिए। ये कंपनी का बिल्कुल 20% का है इस टाइम दिख रहा है, लेकिन अगर पिछले 3 सालों का देखें तो कंपनी ने 2020 मार्च 2020 में सिर्फ 3 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, और इसका अगर आरओई की बात करें तो उससे काफ़ी कम था कंपनी की, अगर बात करें रिजर्व में ये निगेटिव में, तो वैसे अगर देखा जाए तो रहा होगा, लेकिन कंपनी का रिजर्व ही कितना था, ओवरऑल डिप था। और उसके साथ साथ आरओसी देखते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है ये भी जो है कम से कम कंपनी का 3 साल का जो है
20% का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी साल 22% का था, 32% का था। उसके अलावा इसका आर ओ सी बहुत ही पिछले 10 साल का बहुत गंदा था। तो ये हमारी गलती है कि आर ओ सी जो मेरा 10 पॉइंट फ्रेमवर्क में पहला पॉइंट है, ये सिर्फ इसी साल प्रॉफिटेबल हुआ था और इधर प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए मैंने कंपनी को सेल कर दिया। इसके अलावा भी मैंने और कंपनी सेल की है, बट मेरा कंपनी कोई स्टॉक अगर सेल करता हूँ तो उससे पहले का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि कंपनी का फंडामेंटल्स मुझे लगता है कि ओवर टाइम कंपनी अच्छा नहीं करेगी, इसलिए मिलता। अब कुछ लोग इसमें यह समझ रहे होंगे कि कंपनी का शेयर गिर रहा था तो इसलिए मैंने सेल किया, तो इसका एग्जैक्टली रीज़न ये नहीं था। कंपनी का शेयर इसलिए सेल किया क्योंकि कंपनी का उसी दिन कंपनी की मैनेजमेंट से कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी और मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल 15 मिनट डिस्कशन होने के बाद मैंने सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। अगर सुबह में किया होता तो और लॉस कम हुआ था, कभी शेयर प्राइस सिर्फ 3% गिरा हुआ था और जब मैंने सेल एग्जीक्यूट किया तो वो 10% गिर चुका था और शाम तक गिरते गिरते वो शेयर 15% गिर गया था। तो उसके बाद भी गिरावट हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसी कंपनी है जिनका शेयर प्राइस गिरा नहीं बल्कि बढ़ा है, उसके बावजूद भी मैंने सेल कर दिया जब मुझे लगा कि ये कंपनी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल एक कंपनी को मैंने सेल किया था, इसमें मुझे कुछ कंपनी में एक दो इशू नजर आ रहे थे, तो उसकी वजह से मैंने सेल किया स्टालियम इंडस्ट्री को। इस कंपनी को हमने जिस प्राइस पर बाय किया था, इधर ही कहीं बाय किया था, उसी प्राइस पर 10-20 रुपये के प्रॉफिट पर ही बेच दिया तो उसको निकल गए थे। इसी तरह एक और कंपनी की बात करें, ज्योति रेजिन, तो इसको भी बाय किया था और इसको 2 हफ्ते के अंदर ही सेल किया था। जैसे स्टालियम को हमने जल्दी सेल कर दिया, इसको भी सेल कर दिया क्योंकि इसमें भी कुछ हमें बड़ा थ्रेट लग रहा था। हमने जो है यहीं पे कहीं जब ये शेयर यहाँ से बढ़ा था उससे पहले ही हमने बाई किया था, और जैसे ही हमने बाई किया ये शेयर बढ़ गया, लेकिन बढ़ा था प्रॉफिट नहीं बुक किया था क्योंकि हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना था। हमारा टारगेट था कि हम इससे 8 से 10 बैगर रिटर्न पाएँ, बट कुछ बड़ा इशू के कारण मैंने सेल कर दिया 800 रुपये का बाई करके, यहाँ पे सेल कर दिया कुछ ही दिनों में, जैसे ही मुझे उस पर्टिकुलर इशू पर अपना हो गया कि इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो स्टोक्राफ्ट का अगर शेयर न गिरता तो भी मैं सेल करता था। मेरा रूल है कि अगर कोई कंपनी अच्छी नहीं है तो सबसे बेस्ट दिन है आज ही सेल करो, अभी सेल करो। और अगर कोई कंपनी में लगता है कि वो कंपनी अच्छी है और ओवर टाइम हमें पैसा बना के देती है तो बीच में अगर वो 50% भी गिर जाए तो वो मैं सेल करने को नहीं कंसिडर कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा बिजनेस की तरफ देखता हूँ, शेयर प्राइस की तरफ नहीं देखता। अगर कंपनी का शेयर प्राइस वैल्यूएशन जस्टिफाइड है तो हमें बिजनेस को देखना चाहिए और बिजनेस को देख करके शेयर को होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस ही अगर उसका हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी वो अगर मैच नहीं करे, या फिर हमें बिजनेस में कुछ इशू लगता है, या फिर हमें लगता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें बिजनेस से अच्छा नहीं करता, तो उस शेयर्स को उसी दिन सेल करो, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में रहोगे या फिर ये सोचोगे थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के निकले, तो बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि शेयर 1/10 हो जाता है, 90% कोई शेयर अगर डाउन होता है तो इसी वजह से रीज़न से हो जाता है कि लोग शेयर को पकड़े रहते हैं कि हमें जो है यहाँ से लॉस रिकवर हो जाए, यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल बचाने के लॉस बचाने के चक्कर में न रहे हैं बल्कि कैपिटल की सेफ्टी पे ध्यान दें तो वो ओवर टाइम आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो है लॉस रिकवर कर लें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर में कहीं दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपने शेयर्स का 50-60-70-80% कैपिटल लॉस्ट कर देंगे। तो इसके अलावा इसके बाद हमने जो है यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई कि हम हमेशा सस्टेनेबल चीज़ को बिजनेस में ऐसा बिजनेस में देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी हो, जो कि मैंने बताया कि इसमें अगर क्वार्टरली रिजल्ट गंदा आया या फिर अच्छा नहीं आया, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, कंपनी का 32% का प्रॉफिट था वो 10% सिर्फ 32 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम हो गया। इसके अलावा अगर कंपनी का हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी की ई कॉमर्स से सेल आती है और 40% ई कॉमर्स से सेल आती है, तो आई पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ई कॉमर्स थी जब लॉकडाउन लगा था, मार्केट ओपन नहीं था, तो लोग जो है स्टोक्राफ्ट का प्रोडक्ट ऑनलाइन अमेजन पर ज़्यादा परचेज करते थे, वो भी क्लाउड टेल जो प्लेटफॉर्म है अमेजन का, वहाँ से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर मैं यहीं अमेजन पे ओपन करूँ और स्टोक्राफ्ट का प्रोडक्ट सर्च करूँ तो मुझे यहाँ पे इनकी रेटिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लगी थी, लेकिन इसके बारे में भी मैं अभी थोड़ा मेरा क्या उसके बाद जब और बिजनेस को स्टडी किया तो फिर मेरा क्या व्यू निकल के आया तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, 79,000 रेटिंग है और 4 भी अच्छी रेटिंग है। ये सारे प्रोडक्ट स्टोक्राफ्ट के हैं, सब ऑनलाइन से इनकी काफ़ी 40% रेवेन्यू आ रही थी और यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा था क्योंकि एक्चुअल दीपावली जो थी 2020 दिसंबर क्वार्टर में आनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि इनका क्लाउड टेल जो अमेजन का अमेजन सेलर है, अमेजन कंपनी का ही एक ऑफिशियल इनका खुद का अमेजन खुद अपना ही एक एज ए सेलर बन के बेचता है, तो ये बड़े बड़े सप्लायर से प्रोडक्ट उठा लेता है फिर अपने खुद अपने ही प्लेटफॉर्म पे खुद ही सेल करता है। तो ये बड़े मैन्युफैक्चरर से या फिर अपने बड़े जो कंपनी के ब्रांड ओनर होते हैं उनसे ही डायरेक्टली प्रोडक्ट ले लेता है। तो इनकी जो इनवाइस जनरेट हुई थी वो सितंबर क्वार्टर में हुई थी और इसलिए इनका ज़्यादा था। फिर मुझे ये लग रहा है कि ई कॉमर्स में इन्होंने जो सिर्फ जो है अगर इनकी प्रॉफिट की बात करें तो जब से ई कॉमर्स जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से इनका प्रॉफिट हुआ था और अब जो है ई कॉमर्स मार्केट खुल गया है तो अब लोग ई कॉमर्स पे इतना सेल नहीं कर रहे। और अमेजन का मैं खुद अमेजन पे सेल करता हूं कि यहां पे आप देख भी सकते हैं, यहां पे अमेजन का मेरा टैग लगा हुआ है क्या है, क्योंकि मेरे पास खुद का अमेजन का सेलर का अकाउंट है। मैं स्टॉक मार्केट में फुल्ली आने से पहले, इनसाइडर मीडिया स्टार्ट करने से पहले, मैं अमेजन पे सेल करता था अपना प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अमेजन की सेल्स डाउन हो रही है और यहाँ पे बात करें क्योंकि मार्केट भी ओपन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है देख करके पसंद करना अभी भी प्रीफर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म में ये जो एडवांटेज था ऑनलाइन वाला वो खत्म हो गया है। और ये अगर एडवांटेज खत्म हो रहा है तो मतलब कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी को सस्टेनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सस्टेनेबिलिटी को जज कर लिया था, हमें लगा कि हम ये कंपनी ओवर टाइम सस्टेनेबल होगी, लेकिन एक क्वार्टर ही बता दिया। इसके अलावा अगर बात करें ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन जो 11% से 6% का हो गया, और यहीं पर बात करें अगर इनके कंपटीटर्स हॉकिंस की बात करें तो इनका ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन फिर भी अच्छा है, अगर बात करें 14% से 10% की हुआ। और यहीं पर बात करें अगर टीटी के प्रेस्टीज जो प्रेस्टीज का कुकर होता है या फिर किचन
अप्लायंसेज होते हैं, ये पे देखें तो इसका कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ है। तो अगर दूसरी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो फिर ये स्टोक्राफ बढ़िया कैसे कर सकती है? दूसरी कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है, ग्रोथ सब कुछ हो रही है, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इतना हट क्यों नहीं? क्या ये प्लास्टिक का तो प्रोडक्ट बनाते नहीं है, सब सेम प्रोडक्ट है, तो इनका प्रॉफिट तो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ है, स्टोक्राफ का इतना ज़्यादा अफेक्ट क्यों हुआ? का मतलब कंपनी में कुछ कमी है, जब कंपटीटर्स बेहतर कर रहे हैं तो इस कंपनी को ओन करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर बात करें कि 3 साल का हमने ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा, अगर इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करें तो जैसे कंपनी का मैंने बताया कि ई कॉमर्स पोर्टल पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, मुझे लग रहा है कि ई कॉमर्स की जो ग्रोथ आई थी उसी वजह से कंपनी को थोड़ा मोटा प्रॉफिट हुआ था, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा पोस्ट कोविड एरा में। तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट खुला है, और एक बात और जो मैं मुझे पर्सनली एक एज ए इंटरप्रिटेशन में लेकर के आया कि कंपनी जो सेल्स ई कॉमर्स पे इसलिए आ रही है क्योंकि कंपनी ने पास्ट में भी बहुत सेल किया, अगर बात करें पिछले 10 सालों में प्रॉफिट तो नहीं किया था, यहाँ से अगर देखें तो कंपनी ने कोई प्रॉफिट तो नहीं किया लेकिन इसकी सेल काफ़ी अच्छी बढ़ी। इसकी वजह का ये है कि कंपनी ऑनलाइन अगर अच्छा सेल करती है तो सस्ता सेल करती है, तो सस्ता सेल कर रही है इसीलिए प्रोडक्ट बन रहा है, अगर सस्ता कर रहा है तो कंज्यूमर को सस्ता पड़ेगा तो सस्ता लोग खरीदेंगे। लेकिन हमें देखना ये जरूरी है कि सस्ता अगर कस्टमर को पड़ रहा है वो खरीद रहा है, सेल हो रही है, 79,000 रेटिंग मिल रही है, बट इसका कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? कस्टमर को सस्ता पड़ रहा है लेकिन इसका जो एक्चुअल कास्ट आ रहा है वो इन्वेस्टर्स पे कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टर का प्रॉफिट नहीं हो रहा, जो सारा प्रॉफिट होना चाहिए वो उठ करके इनकी सेल्स में यानी कस्टमर को फायदा करा रहा है, इसलिए इनकी सेल्स हो रही है, इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसलिए मैं जो जज करता हूँ कि कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए उसके साथ साथ सेल बढ़नी चाहिए, अगर कंपनी की सेल बढ़ रही है प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा इसका मतलब जो इन्वेस्टर का प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं कस्टमर को डिस्काउंट करके उसकी सेल की जा रही है, तो ये सस्टेनेबल चीज़ नहीं होती। ओवर टाइम आपका बिजनेस तो रेवेन्यू तो ग्रो करेगा लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो पाएगा, तो बिजनेस स्केल तभी करना चाहिए जब बिजनेस पहले प्रॉफिटेबल हो जाए। मुझे लगता है कि ये कंपनी जो प्रॉफिटेबल तो नहीं हो पाई है लेकिन स्केल बस कर रही है, और ये जो प्रॉफिट जो कम हो गया मुझे लगता है कि ये ओवर टाइम बहुत ही कम प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो अगर हमें इससे लर्निंग क्या मिली, तो जो हमने 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क बनाया वो मैंने बहुत ही ऐसी उसमें पॉइंट्स मैंने इंट्रोड्यूस किए थे जो मुझे बाद में पता लगा कि ये इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बेसिकली मैंने 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ करके, कोई आरओई की बात करता था, कोई आरओसी की बात करता था, कोई डिप्रिसिएशन की बात करता था। तो अगर बात करें कि मेरे 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क में 10 पॉइंट्स है, आप इस आई बटन पर जाकर के वो वीडियो 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क वाला जिसे मैं मल्टीबैगर ढूंढ के निकालता हूँ वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, और उसमें जो 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क है मैंने बनाया, फिर 500 से ज़्यादा कंपनीज के फाइनेंशियल स्टडी किए मैंने, इंडिया के टॉप 500 कंपनीज के, फिर उसके बाद मैंने सारी मल्टीबैगर कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल के देखा कि उनका स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखता कैसा है, उसके बाद मैंने 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क बताया। और ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न रिकॉग्निशन की स्किल है, आपको एक पैटर्न दिखने लगता है नंबर्स के फॉर्म में, या फिर आप जो है बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता लेकिन वो पैटर्न हमें समझ में आता है लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं करते, उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं होता। इसके लिए अगर आपको डिटेल में इसको पैटर्न एनालिसिस को अगर समझना है तो एक बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ब्लिंक, ये एक ब्लिंक बुक है जिसमें ये एक छोटी सी स्टोरी बताई गई कि एक जो है फायर फाइटर का जो आदमी होता है वो एक बिल्डिंग में जाता है और उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और जैसे ही उस घर से निकलते हैं उस घर की जो फर्स्ट फ्लोर है वो कोलैप्स हो जाती है, तो कोलैप्स होने से पता, हालांकि फिर उसके कहा जाता है कि आपको समझ में कैसा, कहा कि बस मैंने आसपास का टेम्परेचर देख करके मुझे एक फील हुआ कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, और वो जैसे ही निकला वो मकान पूरा कोलैप्स कर गया। तो यहाँ पे क्या उसके पास बता नहीं सकता लेकिन उसने बस महसूस कर लिया क्योंकि उसने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया था वहाँ के एनवायरनमेंट का पैटर्न। तो इसी तरह इन्वेस्टर अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डेटा पढ़ते हैं, कंपनीज पढ़ते हैं, तो एक बार एक पैटर्न एनालाइज करने की स्किल हो जाती है, लेकिन कभी कभार के यहाँ पे हम गलत इसलिए हो गए क्योंकि हमने अपना ही फ्रेमवर्क जो बनाया था वो फॉलो नहीं किया, और उसके बाद जो मैंने फिर फाइनेंशियल डेटा अगर बात करें तो इवनिंग 5 बजे आया था और सुबह 10 बजे तक मैंने देखा कि कंपनी की क्या कमेंट्री थी, जो काफ़ी जो है कॉन्फिडेंस उनका खुद लो लग रहा था, और जो उसके बाद मुझे लगा कि ये बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है, ग्रोथ आ रही है मेनली ड्यू टू ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स मुझे लग रहा है कि ई कॉमर्स में जो इन्होंने सेल की पहले वो इन्वेस्टर्स के पैसे पे डिस्काउंट देकर के ये रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती। और ओवर टाइम कंपनी का कम से कम 3 साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी हो वो तभी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ओवर टाइम मैं यही कहूँगा कि अगर हमें कुछ लर्निंग मिली कि जो हमने फ्रेमवर्क बनाया हमने ही उसको इग्नोर कर दिया अपने ही फ्रेमवर्क को, इसीलिए हमारा लॉस हुआ, तो और अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती थोड़ा सा अगर वैलिड रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, कंपनी का पास कोई कंपटेटिव एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जो कंपनी के पास कंपटेटिव एडवांटेज होता है वो टफ से टफ एनवायरनमेंट में एक सस्टेनेबल ग्रोथ देती रहती है। यहाँ पे मैं होल्ड इसलिए नहीं पर कहा क्योंकि मैं बिजनेस में एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो गया, क्योंकि जब मैंने सारे चीज़ों को एक बार फिर से स्टडी किया, यही तो होता है, मैंने आपको बताया कि मैंने 2 कंपनी यहाँ पे एग्जिट की, ज्योति की और यहाँ पे स्टाइलम किया, क्योंकि जब एक बार हमारा पैसा लग जाता है फिर हमारा, बहुत लोग ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कहते हैं कि हम नई नई कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो मेरा पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं पहले स्टडी तो करता हूँ उसके बाद पैसा डाल देता हूँ, उसके बाद 10-15 दिन तक उस कंपनी के बारे में और भी पढ़ता हूँ, क्योंकि आपको मेरा पैसा लग गया तो उस कंपनी पर और ज़्यादा स्टडी होती है क्योंकि आपको पैसा लग चुका है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी हमने जैसे लिया 15 दिन के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद एग्जिट कर लेते हैं, कोई और इशू लग गया, क्योंकि और डिटेल में पढ़ते हैं एक बार सारे डेटा को फिर से देखते हैं, तो ये कभी कभार होता है। यही ऐसा ही हुआ 23 दिन पहले, 3 हफ्ते पहले मैंने कंपनी को किया, आज मुझे लग रहा है कि ये कंपनी में वो चीज़ जो मैं
ढूंढता हूँ दूसरी कंपनीज में या जो कंपनी पैसा बना के देती है, वो सारी चीज़ें इसमें मैच नहीं करी, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया। उसके अलावा फिर जो कंपनी का मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी उसमें कॉन्फिडेंस और लो हो गया, फिर कोई सेंस ही नहीं बनता। शेयर अगर ऊपर रहता तो भी मैं बेच देता, नीचे रहता तो भी बेचता, क्योंकि अगर हमने कोई गलती की है तो उसको एडमिट करना चाहिए। और एक जो सबसे फास्ट फॉरवर्ड रूल है कि कट द लूजर्स फास्ट एंड होल्ड द विनर्स। मैं अपने विनर्स को, जो मुझे कंपनी अच्छा रिटर्न्स फास्ट में दिया, मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक अभी उसमें ग्रोथ होती रहेगी और मेरे रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मुझे उसमें रिटर्न्स मिलता रहेगा, तो उसको मैं होल्ड करता रहूंगा। और जो मेरे ऐसे शेयर्स जो मुझे लगता है कि वो लूजर्स प्रूफ हो चुके हैं या फिर मेरा कॉन्फिडेंस उसमें लो हो चुका है, उसको मैं जल्द से जल्द कट करके निकलूंगा। और मेरी यही स्ट्रेटजी होती है और यही करना भी चाहिए। अक्सर लोग क्या होते हैं, लूजर्स में एवरेज करते रहते हैं। अगर बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अगर शेयर गिर रहा हो तो और बाय कर लिया, पूरा सब कुछ बेच करके वही सिंगल शेयर बाय कर लिया, ऐसा भी होता है कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर कर देते। तो ऐसा कभी भी मत करिए, हमेशा अपने लूजर्स को जल्द से जल्द उसको साइड करिए। और जो आपके विनर्स हैं, जो लगता है कंपनी पैसा बनाई है और फ्यूचर में भी बनाएगी, उसको होल्ड करिए जब तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो सी यू सून गाइस। और आप बताइए कि क्या मेरी जो गलती थी यहाँ पे, मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कोई मिस्टेक्स को मैं पब्लिकली एडमिट कर रहा हूँ, और मैंने कभी अपनी अचीवमेंट्स को यूट्यूब पे पोस्ट नहीं किया, लेकिन आज मुझसे मिस्टेक हुई है और मैं ये लोगों को सामने आकर के ये पेश कर रहा हूँ ताकि खुद मैं अपनी जो फ्रेमवर्क है उसको अचीव कर सकूँ, और जो मेरा अपने और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट रिसर्च करूँ ताकि मुझे कोई लॉस ना हो, कम से कम लॉस हो। और इस तरह से पब्लिकली करने से ये होता है कि मैं मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझसे मिस्टेक नहीं होगी, मुझसे मिस्टेक होगी, बट कम से कम करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी पूरा हुआ। ओके, सी यू सून गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में आया या फिर आप और कुछ इसमें जानना चाहते हैं या फिर इसके अलावा आप कंपनी की कैसे ओवरऑल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनसाइडपीडिया नाम से हमारे सभी टेलीग्राम चैनल पे, हमारी पर्सनल वेबसाइट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं और यहां से भी हमारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और यहां से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, सारे यहां पे लिंक भी दिया हुआ है, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई पर्सनल हेल्प कर सकता हूं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सी यू सून, हैव अ गुड डे।